क्या बदायूं से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदलने जा रही है? क्या बदायूं को एक बार फिर से एक नया प्रत्याशी सपा देने जा रही है? ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में आम हो गई है। देश में आम चुनाव हो रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग दलों के साथ गठबंधन करके नरेंद्र मोदी को हराने का दावा कर रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस है। हालांकि एक सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने दी है, पर ये जो इंडिया अलायंस है इसकी अलग अलग जो सीटों का ऐलान है, अलग अलग प्रत्याशियों का ऐलान है, वो दोनों राजनीतिक दल करना शुरू कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी तक 35 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, और जिसमें सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को पिछले दिनों बदला और अब तिबारा से बदले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं बदायूं सीट की। बदायूं वो सीट जहां से सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने वहाँ से पूर्व में सांसद रहे और अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया, पर थोड़े दिनों बाद ये चर्चा आम हो गई कि बदायूं सीट समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत वाली हो रही है और इसलिए उस सीट पर प्रत्याशी बदल के अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को वहां से प्रत्याशी बना दिया। पर शिवपाल यादव प्रत्याशी बनने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिनों तक बदायूं नहीं गए। इसके पीछे चर्चा थी कि चाचा शिवपाल उस सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था, इस कारण वो उस दौरान धूप में नहीं निकल रहे थे। पर एक बार फिर से ये चर्चा आम हो गई है कि शिवपाल यादव बदायूं सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और इसके पीछे तर्क ये है कि वो इस सीट से अपने बेटे आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। शिवपाल चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य यादव की भी एंट्री राजनीति में हो जाए और उनके बेटे भी आदित्य यादव भी राजनीति में सेट हो जाएं। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की दूसरी पीढ़ी का जिक्र करें तो दूसरी पीढ़ी में अलग अलग भाइयों के जो बेटे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर फिलहाल सेट हो चुके हैं। एक तरफ अगर रामगोपाल यादव की बात करें तो रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव 2014 का लोकसभा चुनाव जब मोदी लहर चल रही थी तब फिरोजाबाद से जीत करके आए थे, एक बार फिर से इस बार उनको फिरोजाबाद से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव वो भी बदायूं से सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर से उनको इस बार टिकट बदल के पहले बदायूं उतारे गए और इस बार अब फिर आजमगढ़ वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव खुद वो एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके पहले वो सांसद भी रह चुके हैं। तो अब सिर्फ शिवपाल यादव उसमें से बचते हैं जिनके बेटे अभी तक राजनीति में सेट नहीं हो पाए हैं या यूं कहें फिट नहीं हो पाए हैं। हालांकि जब 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस दौरान शिवपाल यादव ने अपने बेटे आदित्य यादव को पीसीएफ का चेयरमैन बनवाया था, हालांकि उसके बाद भी वो पीसीएफ में रहे। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक एंट्री या राजनीतिक पोस्ट की बात की जाए वो आदित्य यादव को नहीं मिल पाई है और शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके बेटे की भी जो राजनीति है वो सेट हो जाए, उनके बेटे को भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ओहदा मिल जाए, और इसीलिए लगातार प्रयास जारी है। फिलहाल चर्चा है कि शिवपाल यादव आदित्य यादव को बदायूं लड़वाना चाहते हैं और बदायूं में आदित्य एक लंबे समय से तकरीबन 15 से 20 दिनों से जब से शिवपाल यादव को टिकट मिला है तब से वो बदायूं में एक्टिव भी हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अखिलेश यादव तीसरी बार बदायूं से प्रत्याशी बदलेंगे? क्या आदित्य यादव को अखिलेश यादव प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं? ये चीज़ें कुछ ही दिनों में पता चल जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।